सबको जय यीशु की। हर साल संपूर्ण कलीसिया 29 अक्टूबर को संत नार्सिसियस का पर्व मनाती है। वे एक यूनानी थे और अपने गुणों और चमत्कारों के कारण जाने जाते थे। 185 ईस्वी में वे यरूशलेम के धर्माध्यक्ष बने। 198 ईस्वी में अपनी प्रांतीय धर्मसभा में उन्होंने ईस्टर के जश्न मनाने के रोमन रिवाज को अपनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे कुछ परिवर्तित यहूदियों ने अपनाने से मना कर दिया। कुछ लोग तो उनकी उपाधि का लिहाज करके उनके साथ खड़े रहे, परंतु कुछ उनके विरोध में हो गए, जिस वजह से उन्होंने अपना पद छोड़ दिया ताकि कलीसिया में शांति बनी रहे और वे कहीं दूर जाकर अपना जीवन बिताने लगे। कुछ सालों बाद तीन धर्माध्यक्षों द्वारा यह पता चला कि वे जिंदा हैं। उन धर्माध्यक्षों ने उनसे आग्रह किया कि वे अपने कार्य पर पुनः वापस आ जाएं। अपनी बहुत ही उन्नत उम्र के कारण उन्हें को एजुकेटर चुना गया। वे 110 साल के लगभग जीते रहे। उस समय संत अलेक्जेंडर, जो एक तीर्थ यात्रा पर यरूशलेम में थे, उनके द्वारा ये एक एपिस्कोपल ट्रांसफर और कोएजुटरशिप का पहला उद्देश्य था और इसे फिलिस्तीन पदानुक्रम द्वारा आधिकारिक तौर पर अधिकृत किया जाना था। आइए आज हम संत नार्सिसियस के माध्यम से प्रार्थना करें कि हमारी कलीसियाओं में जो परिवर्तन आज हो रहे हैं, उन परिवर्तनों के द्वारा प्रभु के नाम को प्रशंसा और महिमा मिले।